आज भी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस, निर्मला सीतारमण ने की शुरुआत, पक्ष और विपक्ष में आर पार। वित्त मंत्री ने कहा आज पूरी दुनिया मंदी का सामना कर रही लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही। यूएस हो चाइना हो सबका डिग्रेडिंग डाउनग्रेडिंग हो रहा है। सो इंडिया इज इन अ रेयर पोजीशन सर ऑफ बीइंग ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव फॉर इट्स फ्यूचर ग्रोथ। वित्त मंत्री ने कहा जनता को सस्ती दवाइयां मिल रही, लोगों को आसानी से राशन मिल रहा, हम जनता के सपने को साकार कर रहे। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस जारी, शाम 4 बजे विपक्ष के आरोपों का जवाब देंगे प्रधानमंत्री मोदी। मणिपुर हिंसा पर विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव, राज्य को बांटने जैसे गंभीर मुद्दों पर आज बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राहुल गांधी ने कल सरकार पर लगाया था मणिपुर को बांटने का आरोप, प्रधानमंत्री के मणिपुर न जाने पर भी उठाए थे सवाल। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा उम्मीद है प्रधानमंत्री देश को सच बताएंगे। मणिपुर मामले पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कुकी और मैतई दोनों के बीच मतभेद काफी पुराने हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं शांति बने। मैतई कम्युनिटी और चीन कुकी जो और मार ग्रुप का जो बीच में क्लैश का जो सामने में आया है, दोनों गुटों को हम लोग ने अपील किया लेकिन सुना नहीं, क्योंकि बहुत गहरा एक दूसरे के प्रति इनका अविश्वास है। फर्जी हस्ताक्षर के आरोपों पर आप सांसद राघव चड्ढा का बयान, कहा बीजेपी का एक ही मूल मंत्र, हजार बार झूठ बोलो ताकि सच लगने लगे। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा मैंने नहीं तोड़ा कोई नियम, दुष्प्रचार कर रही बीजेपी। दिल्ली सेवा बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए दिया गया था प्रस्ताव, को सांसदों के फर्जी दस्तखत का आरोप। राघव चड्ढा ने कहा संसदीय नियमों के मुताबिक दिया प्रस्ताव, रूल बुक के मुताबिक कमेटी के लिए प्रस्तावित नाम का सिग्नेचर जरूरी नहीं। नोटिस मामले पर आम आदमी पार्टी ने जारी किया आधिकारिक बयान, कहा प्रिविलेज कमेटी से नहीं मिला राघव चड्ढा का कोई नोटिस। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा केजरीवाल गैंग की रणनीति, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस, सब कुछ लाइव पूरे देश ने देखा। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने ट्वीट कर कहा राघव जी किसी का नाम प्रस्ताव करोगे तो उसका कंसेंट लोगे या नहीं, ये बताओ सदस्यों से कंसेंट लिया था या नहीं। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, उनका संदेश साफ है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन्हें पसंद नहीं आएगा वो संसद में कानून लाकर उसे पलट देंगे। स्मृति ईरानी के बयान पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, कहा हमने कोई जमीन अड़ानी को नहीं दी है। असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा परिवारवाद की बीमारी कांग्रेस में इतनी फैली है कि अब प्रदेश स्तर पर भी किसी एक ही परिवार का दबदबा चलता है। आरबीआई ने मौद्रिक नीति का ऐलान किया, रेपो रेट में बदलाव नहीं, रेपो रेट अब भी 6.5% बरकरार। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में ग्रेनेड से हमला, 2 नागरिकों और 2 सैनिक घायल, इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। महाराष्ट्र के लातूर में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं का हंगामा, फसल बीमा कंपनी के दफ्तर में की तोड़फोड़। आज भी ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कर रही एएसआई की टीम, आज सर्वे का 8वां दिन। महेंद्रगढ़ की कई ग्राम पंचायतों का ऐलान, गांव में विशेष समुदाय और शरारती तत्वों को नहीं लगाने देंगे फेरी और करने देंगे कारोबार, चोरी की घटनाओं का हवाला दिया। यूपी के लोगों के लिए गुड न्यूज, रोडवेज से यात्रा करने वाले यात्रियों को मिलेगी इलेक्ट्रिक बसों की सौगात। रोडवेज के बेड़े में शामिल होगी 250 इलेक्ट्रिक बसें, लखनऊ से अयोध्या, काशी, प्रयागराज, मथुरा, चित्रकूट को इलेक्ट्रिक बसों के जरिए जोड़ा जाएगा। श्रीनगर के घंटाघर में फहराया गया तिरंगा, दिखा शानदार नजारा, स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां भी जोरों पर। राजस्थान के लोगों के लिए अच्छी खबर, सीएम गहलोत ने लॉन्च की इंदिरा गांधी स्मार्टफोन स्कीम। चंद्रयान 3 का चांद पर पहुंचने का मिशन जारी, चांद के ऑर्बिट में घूम रहे चंद्रयान ने भेजी चांद की तस्वीरें। धर्मशाला में भारतीय वायुसेना बनी देवदूत, पशुपालन विभाग के 4 सदस्य समेत 5 लोगों को एयरलिफ्ट कर बचाई जान, सभी को इलाज के लिए टांडा अस्पताल में कराया गया भर्ती। बड़ा बंगाल इलाके में निर्माण कार्य के दौरान खाई में फंस गए थे।
तापी के कृषि विज्ञान केंद्र में ड्रोन छिड़काव प्रदर्शनी का आयोजन, किसानों को ड्रोन तकनीक से खेतों में कीटनाशक छिड़काव की दी गई ट्रेनिंग। कृषि और बागवानी में ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देना मकसद, किसानों को कम कीमत पर ड्रोन उपलब्ध कराएगा कृषि विज्ञान केंद्र। मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स में मेरी माटी मेरा देश अभियान का आयोजन, मंत्री अबू ताहिर मंडल ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। तापी में आदिवासी महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर, नारियल के रेशे से बना रही घरेलू सजावट की चीजें। सखी मंडली की आदिवासी बहनें बना रही इको फ्रेंडली गणेश की मूर्तियां, बाजार में उत्पादों की बड़ी डिमांड। कृषि विज्ञान केंद्र में आदिवासी महिलाओं को दिया जा रहा प्रशिक्षण, दूर दूर से आ रही महिलाएं। महिलाएं प्रोडक्ट्स बेचकर कमा रही 10,000 रुपए महीना, नारियल के रेशे से बनी चीजें लोगों को आकर्षित कर रही। प्रोडक्ट्स को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है, रोजगार के जरिए आत्मनिर्भर बनाना मकसद। वडोदरा में दिव्यांग तुषार सावंत ने पेश की मिसाल, एक हाथ से बनाते हैं मूर्ति। गणेश उत्सव के लिए बप्पा की मूर्तियां तैयार कर रहे हैं तुषार, मूर्तियां बनाने के साथ साथ पेंटिंग में भी माहिर। हादसे में एक हाथ गंवाने वाले तुषार ने खुद को डिप्रेशन से निकाला बाहर, मूर्तिकला के लिए खुद को तैयार किया, अब कर रहे कमाल। श्रीनगर के पंता चौक बेस कैंप से अमरनाथ तीर्थयात्रियों का नया जत्था रवाना, हर हर महादेव और बम बम भोले के लगाए जयकारे। बालटाल और पहलगाम के रास्ते रवाना हुए बाबा बर्फानी के भक्त, अमरनाथ की पवित्र गुफा के करेंगे दर्शन, दिखा भारी उत्साह। ड्रग्स के खिलाफ अनंतनाग में फ्रेंडली क्रिकेट मैच का आयोजन, वुमेन्स टीम ने सीनियर सिटीजन को हराया। महिला खिलाड़ियों और वरिष्ठ नागरिकों ने खेल का लुत्फ उठाया, घाटी से नशे को खत्म करना और युवाओं को इससे दूर रखना मकसद। सीएम कॉनराड संगमा ने विश्व के स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मदुरई के विरुद्धनगर तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई पदयात्रा में शामिल हुए, भारी संख्या में समर्थकों का जनसैलाब उमड़ा। स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए कलबुर्गी बसम्मा के श्रमिकों को निमंत्रण, 15 अगस्त के जश्न में शामिल होने की नियति पर खुशी नजर आई। ऋषिकेश में कई इलाकों में बर्बादी की बारिश, मकान की ढही दीवार, घरों में पानी भरा, एसडीआरएफ ने 50 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया। उधमसिंह नगर के काशीपुर में तेज बहाव में बड़ा डेला नदी पर बना पुल, हरिद्वार और देहरादून के बीच संपर्क टूटा, ट्रैफिक रूट को भी डायवर्ट किया। सीएम सुखविंदर सिंह सिक्खू ने बाढ़ के हालात पर उच्च स्तरीय बैठक की, प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए, सीएम ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुरादाबाद में राम गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात, सड़कें प्रभावित, सैलाब के बीच बैलगाड़ी और ट्रैक्टर ले जाते ग्रामीण नजर आए। बागमती का जलस्तर बढ़ने से शिवहर का नरकटिया गांव बाढ़ से जलमग्न हुआ, घर और खेत पानी में डूबे नजर आए। 12 अगस्त को गुजरात के दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, बीएसएफ मरीन यूनिट के लिए नए प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। एमपी के दतिया में निकली भव्य कलश यात्रा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा यात्रा में शामिल हुए। देवरिया में इंसेफेलाइटिस प्रभावित 23 गांव के तालाबों में गंबूसिया मछली डालने की तैयारी में जिला प्रशासन, मच्छरों के लार्वा को खा जाएंगी मछलियां। भिंड में संचालित दीनदयाल रसोई लोगों के लिए बेहद काम आ रही, कम पैसों में लोगों को पौष्टिक आहार मिल रहा। अमरावती में सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कल्याण मस्तु शादी तोहफा योजनाओं के तहत 141 करोड़ रुपए जारी किए, लोगों को मिलेगा सीधा लाभ। उन्नाव में ऑपरेशन दृष्टि के तहत जगह जगह लगाए गए नाइट विजन कैमरे, पुलिस ने दुकानों पर लगे कैमरों का निरीक्षण किया। रायसेन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भगवंत सिंह पटेल को श्रद्धांजलि दी, तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। देवरिया में मेरी माटी मेरा देश कैंप का शुभारंभ, शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। दिल्ली के डीडीयू अस्पताल को मिला नंबर 1 अस्पताल का खिताब, स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रतियोगिता में आया अव्वल। दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रशिक्षण के लिए कई राज्यों से आए महिला विधायकों से मुलाकात की, संसद भवन के बारे में जानकारी दी। लखीमपुर खीरी में वन विभाग ने कोबरा सांप के 20 बच्चों का रेस्क्यू किया, डॉक्टर कर रहे देखरेख। कोलकाता में G20 एंटी करप्शन की तीसरी बैठक, भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाने पर चर्चा हुई। शिमला में गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने वन महोत्सव का शुभारंभ किया, स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया।
देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रकृति संरक्षण के लिए किए जा रहे कामों का जायजा लिया। अधिकारियों ने सीएम को दिखाए गए कई काम। दिल्ली में फायर सेफ्टी मैनेजमेंट एकेडमी की प्रदर्शनी में शामिल हुए मंत्री कैलाश गहलोत, फायर ब्रिगेड के उपकरणों का इस्तेमाल दिखाया। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, 20 मामलों में फरार बदमाश गिरफ्तार। संबल से बच्चा चोर गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने बच्चा चोर महिला सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया। सुकमा पुलिस को बड़ी सफलता, 12 साल से सक्रिय डीकेएमएस नक्सली कमांडो गिरफ्तार। गोपालगंज में चेकिंग के दौरान उत्पाद विभाग की टीम को सफलता मिली, 64 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार। हापुड़ में 7 लड़कों को एक साथ बाइक पर सवारी करना भारी पड़ा, यातायात पुलिस ने 22,000 का जुर्माना लगाया। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी से भारत ने पाकिस्तान को बाहर किया, लीग मैच में पाकिस्तान को 4-0 से रौंदा। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने दागे 2 गोल, युवराज सिंह और आकाशदीप ने किया 1-1 गोल। एकतरफा मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को पीटा, चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान पर शुरू से ही रहा दबदबा। भारत ने पाकिस्तान को अटैकिंग का नहीं दिया कोई मौका, 5 मैचों में 4 जीत और 1 ड्रॉ से 13 अंकों के साथ टॉप पर है भारत। सेमीफाइनल में जापान से भिड़ेगी हरमनप्रीत ब्रिगेड, सेमीफाइनल में पहले ही पहुंच चुकी है टीम इंडिया। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की जेलर आज